मुलाकात विद माणिक के इस एपिसोड को देखने वाले आप सभी साथियों को हमारा नमस्ते। आज बहुत ही खुशी की बात यह है कि हमारे बीच हाड़ोती में जन्मे हिंदी और राजस्थानी के वरिष्ठ कवि और लेखक अंबिका दत्त जी आज हमारे बीच हैं और आज हम आप सभी के लिए अंबिका दत्त जी से बातचीत करेंगे उनके जीवन के बारे में। 60 पार के इस जीवन में अब वे कैसा महसूस करते हैं इस यात्रा के बारे में। अंबिका दत्त जी आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले हालांकि अंबिका दत्त जो नाम है ये भारत में खासकर हिंदी साहित्य में और राजस्थानी की रचना संसार में एक बड़ा नाम है, लेकिन जो दर्शक हमारे अंबिका दत्त जी के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। आप 12 के अंता में आपका जन्म हुआ जो राजस्थान के हाड़ोती क्षेत्र में पड़ता है। हिंदी और हाड़ोती में आपने लगातार लिखा है। आपके लगभग 7 कविता संग्रह हिंदी और राजस्थानी में मिलाकर आ चुके हैं। इसके अलावा सन 1970 से आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए लगातार प्रसारित और प्रचारित होते रहे हैं। देश भर के साथ साथ आपने विदेशी यात्राएं भी साहित्य के इस रचना संसार के मार्फत और इसके प्रचार प्रसार के लिए आपने की है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आप अरसे तक नौकरी में रहे और नौकरी के साथ साथ आपने अपने तरीके से साहित्य की साधना जितनी आप कर सकते थे आपने भरसक की है। आपको यदि आपके कविता संग्रह की बात की जाए तो लोग जहाँ खड़े हैं या सोरम का चित्राम या आथ्यो ही नहीं दिनहाल और इसी तरह से आमों में बारहों मास और पुरस्कारों की बात करें तो आपको राजस्थान साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च सम्मान है मीना पुरस्कार वह भी मिल चुका है। दिल्ली स्थित जो साहित्य अकादमी है उसका राजस्थानी भाषा का जो साहित्य अकादमी सम्मान है वो आपको मिल चुका है। तो साहित्य के क्षेत्र में दो बड़े सम्मान जिन्हें हम मान सकते हैं वो आप प्राप्त कर चुके हैं। और खैर पुरस्कारों के अलावा आप जीवन को इस तरीके से जीते हैं कि पुरस्कार अपनी जगह है लेकिन पाठकों का श्रोताओं का जो प्यार है वो आपको लगातार मिलता रहा है। इसके अलावा आप लगातार यात्राएं करते हैं और ये हमारा सौभाग्य कि चित्तौड़गढ़ में आप आते रहते हैं और आपसे मुलाकात अपनी माटी ही पत्रिका के बहाने कभी हुई थी जो लगातार फिर आपको पढ़ते लिखते आपसे बातचीत करते हुए लगातार आगे बढ़ती गई। तो मैं उन तमाम दिनों को याद करते हुए जब पहली बार आप एक बार चित्तौड़गढ़ आए थे और चित्तौड़गढ़ किले के हम गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा औपचारिक नहीं होते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि चित्तौड़गढ़ का किला आपको बहुत हॉन्ट करता है, बहुत आकर्षित करता है, तो वो दिन कैसा था और चित्तौड़गढ़ किले को लेकर के क्या आपके मन में धारणाएँ थी और कैसा लगा? आपने कई बार देखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर के आप क्या सोचते हैं? दरअसल माणक जी मुझे लगता है मेरे ही नहीं बहुत सारे लोगों के मन में जो अनुभूतियां होती हैं जी उनका बहुत विश्लेषणात्मक समझ नहीं होती है। जब हम किले के बारे में आप पूछते हैं कि मुझे कैसा लगता है तो बिल्कुल इस तरह से नहीं सोचते कि कोई इतिहास के बारे में हम जानते होंगे या जानते होंगे। एक पुरानी जगह पहाड़ी पर स्थित है और जो अपनी रचना और संरचना में इतनी अद्भुत और अनूठी है उसके साथ उसका एक इतिहास जुड़ा हुआ है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब ऐसी जगहों पर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं काल बाधा की यंत्रणा से गुजरता हूं। मेरा मन होता है कि मैं कालातिक्रमण कर सकूं जो भौतिक रूप से संभव नहीं होता है, तथापि कल्पना से वहां जाने की कोशिश करता हूं। तो मैं जब ऐसे स्थानों पर जाता हूं तो मैं अपनी कल्पना में उस समय को देखता हूं कि जब ये किला आबाद रहा होगा, जब यहाँ इधर से उधर हाथी या घोड़े या सेवक या राजा या सैनिक या स्त्रियां दासियां घूमती फिरती होंगी, जीवन जब यहाँ होगा उसकी हलचल होगी, आवाजें होंगी, उनके लिए
खाना बनता होगा, उसकी तैयारियां होती होंगी, फिर कभी युद्ध का संदेश आता होगा, युद्ध में जाते होंगे, लौट कर आते होंगे, यहाँ सब वो चीजें, त्योहार, उत्सव, मृत्यु, जन्म, सब कुछ होता होगा, जीवन होता होगा। तो मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे सामने अभी घटित हो जाए, और मैं जितने ऐसे जगहों जिनके बारे में ऐसा मुझे पता, वहां जाकर मुझे बहुत हॉन्टिंग लगता है। तो मैं जब भी चित्तौड़ जाता हूँ तो मुझे यही सब कुछ लगता है, इसलिए मैं बार बार वहां जाता हूँ। मैं जैसे मीरा के मंदिर के यहाँ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मीरा किधर से आई होगी, यहाँ कहाँ रुकी होगी, कहाँ वो बैठी रही होगी, फिर वापस गई होगी, उसने कैसा लहंगा पहना होगा, उसका कैसा उसका देह यष्टि होगी, उसके साथ क्या दो तीन स्त्रियां होंगी, दासियां होंगी, या वो गा रही होगी, तो कितनी तन्मयता से वो डूब गई होगी, ऐसा बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि यहाँ वो जो आपने महल बताया, तो मुझे लगता है कि यहाँ इस खिड़की में कौन बैठता होगा, वो दासियां किस कमरे में रहती होंगी, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कि चित्तौड़ का किला तो इन सब जो मेरी कल्पनाएं हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा आकाश है, जहां मैं अपनी पंखों को पूरा खोल कर उड़ पाता हूँ। ऐसा ही ये तो एक यात्रा थी, और आपने, आपको यात्राओं का बहुत मजा आता है, प्रशासनिक सेवा के दौरान भी, और खास कर जब आप 60 पार हैं, सेवानिवृत्ति आपने ले ली है जी, तो अब आप पूरी हक्कड़ी और घुमक्कड़ी का पूरा आनंद ले रहे हैं। यात्राओं का जीवन में कितना महत्व है आज के मुझे, जो खासकर हमारे युवा दर्शक हैं वो अगर इस बात को सुन रहे हैं तो यात्राओं में कितना वक्त देना चाहिए? मैं ये कहता हूँ, मनुष्य के जीवन का यात्रा से बेहतर और बढ़िया कोई अनुभव नहीं होता जी। मतलब मेरे जीवन में मैंने सब तरह की यात्राएं की। अभी आज ही कोई बात कर रहा था तो मैं उस तरह से कोई धार्मिक आदमी नहीं हूं, लेकिन मैंने अमरनाथ की यात्रा की। आज ही कोई बात कर रहा था तो मैंने उससे कहा कि मेरे जीवन के अब तक के सबसे अधिक रोमांचक अनुभवों में है अमरनाथ की यात्रा। तो यात्राएं तो जितना संभव हो करना चाहिए, यात्राएं करने का जो अनुभव है वो आपको बहुत, और खास तौर से वे लोग जो रचनात्मक वृत्ति के लोग हैं उनके लिए तो यात्राएं इतनी जरूरी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लेखकों की चर्या बताई गई है, जीवन चर्या, उसमें नित्य विद्या स्वाध्याय और यात्रा करना और काव्याभ्यास, ये सब चीजें बताई गई। तो यात्राओं से हम और एक ही तरह का रूटीन जीवन जीते जीते जो यात्राएं आपको बिल्कुल नया अनुभव देती हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। मेरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1983 में मेरा राजस्थान तहसीलदार सेवा में चयन हुआ, और 1984 में मेरा राजस्थान लेखा सेवा में चयन हो गया, जो इससे ऊपर की सेवा है। मैं उस सेवा में नहीं गया, राजस्थान तहसीलदार सेवा जो उससे नीचे की सेवा थी उसमें रहा। उसमें कई सारे कारण थे, लेकिन एक कारण मेरे दिमाग में यह भी था कि वो जो लेखा सेवा की नौकरी है, लेखा सेवा की नौकरी तो केवल दफ्तर की नौकरी होगी, और जो तहसीलदार की नौकरी है वो फील्ड की नौकरी होगी। तो ना मुझे घूमता ही फिरना पड़ेगा, टूर भी करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ेगा। तो यात्रा मुझे सदैव आकर्षित करती रही, और मैं जो युवा लोग हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी मौका मिले, अच्छा मेरा ये भी अनुभव है कि कभी भी कोई बहुत बड़ी यात्रा या प्लान करके कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं छोटी छोटी यात्राएं भी करता हूँ। मुझे जैसे खबर चलती है कि 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर गाँव में आज घास बेरू जी निकलने वाले हैं, तो मैं वहां चला जाता हूँ, 7 किलोमीटर की यात्रा करके शाम को लौट आता हूँ, लेकिन वो अनुभव भी मेरे लिए विलक्षण होता है। मुझे लगता है मेला है तो वहां चला जाता हूँ। अपने आसपास की यात्राएं भी हमें अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में जानने में बड़ी मदद करती हैं। तो अगर सुयोग हो तो दूर की और लंबी यात्राएं जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर सुयोग ना हो तो छोटी छोटी यात्राएं भी करनी चाहिए, सुबह के शाम को आ गए। अच्छा जी, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके हड़ौती क्षेत्र में नाण फेमस है, अद्भुत है, अद्भुत, वो भी एक ग्रामीण परिवेश, बहुत अद्भुत, और जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि लोग के प्रति आपका एक विशेष आकर्षण है, ग्रामीण संस्कृति,
गांव की बोलियां, जी जी, गांव का परिवेश, जी वहां के लोग, जी पनगढ़, जी बावड़ियां, हाँ खेत, जी इनके बारे में आप लगातार बात करते रहते हैं, जी तो अपने हाड़ौती के बारे में कुछ ऐसे अनुभव आप बताएं, गांव के अनुभव और अपने बचपन को। देखिए मानिक जी, मैं एक बात आपको और सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये बात तो आप मानेंगे कि अभी भी जो लोग या देहात के लोग हैं वे अपेक्षाकृत अधिक प्योर है, उनकी प्योरिटी पर कोई शक नहीं किया जा सकता, इसलिए उनसे मिलने से ही आपको एकदम भिन्न अनुभव होता है। क्योंकि मैं इसको एक आक्षेपित नहीं करता, लेकिन जो प्रयोजनवादी और ये हमारी जो जिसको कहना चाहिए कि शहरी संस्कृति है, इसने हमसे और कुछ छीना हो ना छीना हो, लेकिन इसने हमें बहुत औपचारिक और हमारी जो प्योरिटी है उसको छीना है, मिलावटी बना दिया है थोड़ा सा। वे लोगों को बहुत ज्यादा सौजन्य नहीं आता, वे हर बार में थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं बोलते, लेकिन उनके भाव में जो उपकृत होने का भाव होता है वो आपको दिखता है। वो आदमी धन्यवाद न कहकर भी आपका कितना ग्रेटफुल होता है आप अनुभव कर सकते हैं। यहाँ जो आदमी आपको 10 बार धन्यवाद कहता है तो भी लगता नहीं है कि कोई धन्यवाद कह रहा होगा। वो आदमी एक बार भी सॉरी नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में किसी काम को करने के बाद अगर किसी को तकलीफ हुई है, उसका थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो उसकी जो अभिव्यक्ति है तो वो बहुत ही गहरी अभिव्यक्ति होती है। इसी तरह से जीवन को जिस तरह से समझने का मौका मुझे लोक में मिलता है कहीं नहीं मिलता। आपने नहान का जिक्र किया, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नहान पर मैं किताब लिखने वाला हूँ। 5 दिन का लोकोत्सव होता है वो, और जिन्होंने नहीं देखा उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर जीवन में जादू देखना है तो आप उस 5 दिन के उस नहान लोकोत्सव को देखिए। और ये सत्य है कि सांगोद जादूगरों का जगह जाना जाता है, तांत्रिक वहां पर बहुत सारे रहते हैं, और उस नहान लोकोत्सव में अनेक जादू के कर्तव्य दिखाए जाते हैं। कोई विशेष कब होता है ये? होली के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है, होली जली और दूसरे दिन से शुरू होता है, 5 दिन का नहान होता है। और नहान के बारे में अगर मैं आपको बोलने लग जाऊं तो 1 घंटे तक बोल सकता हूं। और जिन लोगों ने मेरे साथ नहान देखा है वो दोनों मिलकर 1 घंटे तक बात करेंगे, उसके बाद भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि नहान इसके बावजूद कहा नहीं जा सकता, देखने की चीज है। तो मैं ये कहूंगा नहान एक बार जरूर देखिए। कोटा चले जाइए, कोटा से 50 किलोमीटर सांगोद कस्बा है, और सबसे बड़ी बात यह कि वो कोई सरकारी आयोजन नहीं है, सरकार 1 पैसा नहीं देती, सरकार का कोई एक इंतजाम वहां पर नहीं होता, पूरे गांव के लोग मिलकर उस आयोजन को करते हैं, ऐसे डूब जाते हैं उसमें कि वो अद्भुत अनुभव है मेरे जीवन का। अच्छा अंबिका जी, इसके साथ साथ हमने आपके फेसबुक से जाना कि आप हाड़ौती में एक युवा रंगकर्मी है राजेंद्र पांचाल, हाँ। और आप अपने रचनाकर्म के साथ और उनके साथ की कई यात्राओं में आपका बहुत संवाद हुआ है आपस में, तो रंगकर्म की दुनिया में आपका कैसे अभी इन दिनों राजेंद्र पांचाल के साथ और साथ ही साथ रंगकर्म से आपका कैसे जुड़ाव रहा है, थोड़ा इस बारे में कुछ बताया आप, या आपने कभी रंगकर्म किया या रंग? हाँ, मैं अपने बिल्कुल किशोरावस्था में जो हमारे गांव में रामलीला वगैरह हुआ करती थी उसमें भी मैं काम किया करता था। वहाँ वो राम और लक्ष्मण वगैरह बना करते थे, और स्कूल में जो उस समय तो जो वार्षिकोत्सव होते थे तो उसमें नाटक भी होते थे, उसमें भी करते थे। और मुझे लगता है कि जो मनुष्य की वृत्तियां प्रवृत्तियां होती हैं उसमें शायद मेरी वृत्ति प्रवृत्ति में भी वो रचनात्मकता के कारण नाटक था ही सही। मैंने बहुत सारे नाटक पढ़े देखे, लेकिन फिर राजेंद्र पांचाल से कुछ वर्षों पहले मेरी मुलाकात हुई। राजेंद्र पांचाल के बारे में उससे पहले मैं ज्यादा नहीं जानता था, बाद में उनकी मुलाकात होने के बाद हुई, तो हम दोनों के अंदर बहुत सारी चीजें रचनात्मक स्तर पर समान दिखी, और उसमें बहुत सारे जो सहज निष्कर्ष थे वो हमें लगे। जैसे एक निष्कर्ष हम दोनों को ये लगता है कि जो रंग कर्म है या नाट्य कर्म है, हिंदी में जो स्क्रिप्ट्स हैं
नाटक की जो किताबें हैं उनकी बड़ा अभाव मानते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमने हिंदी रंगकर्म के लिए, नाटक के लिए जो दिशा चुनी और जो भाषा चुनी उसमें हम कथा की तरफ चले गए, कहानी की तरफ चले गए भाषा में, जबकि वस्तुतः नाटक की भाषा तो कविता की भाषा है। उसने भी इस बात को महसूस किया और मैंने भी महसूस किया कि हमारे काव्य है, काव्येश्वर हमने नाटकम, नाटक को काव्य ही कहा है, और इस तरह से और भी बहुत सारी है। राजेंद्र पांचाल बहुत ही कहना चाहिए कि उल्लेखनीय व्यक्तित्व है, वे बहुत ही अच्छे रचनात्मक, निष्ठावान और परिश्रमी, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं। उनके किसी नाटक में आपकी रचनाओं का? हाँ, मैं हाँ, उसका बड़ा रोचक प्रसंग है। वो करीब 3 साल पहले सूर्यमल नाटक कर रहे थे। सूर्यमल बहुत बड़े कवि हुए हैं, 1815 से 1863 के बीच वो भूमि में हुए, और 1857 की क्रांति से उनका बहुत संपर्क रहा। सामंत की काल उस समय अवसान हो रहा था, औपनिवेशिक जो शक्तियाँ थी वो अपना साम्राज्य बढ़ा रही थी, और उस दौरान में जो हाड़ौती क्षेत्र में बगावत आंदोलन हो रही थी, उस संक्रमण काल में एक सामंती काल का कवि किस तरह से अपनी काव्य भूमिका को निभाता है, ये संक्रमण उनके जीवन से हमने जाना। तो वो उसके नाटक की तैयारी कर रहे थे, वो मेरे पास आए और वो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस नाटक के में कुछ लिखें। मैंने उनसे कहा कि क्या आप स्क्रिप्ट चाहते हैं? उनका नहीं, मैं स्क्रिप्ट के फेवर में नहीं हूँ, मैं स्क्रिप्ट नहीं चाहता, आप जो चाहें वो लिखें। तो मैंने उनका कहा, मैंने कहा राजेंद्र जी, मैं जीवन में इस तरह से नियोजित तरीके से या कोई कहे ऐसा लिखो, ऐसा आज तक कभी कुछ लिख नहीं पाया। मैंने एक दो मित्रों के नाम भी बताए, उनको कहा उनसे मिल लें। तो उनका नहीं नहीं मैं उनसे नहीं मिलना चाहता, आप ही कुछ लिख सकें तो लिखिए। धैर्यवान व्यक्ति हैं राजेंद्र, वो मुझे बार बार फोन करते रहे और कहते रहे कुछ हुआ, कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। उस दौरान उनके सौजन्य से मैंने सूर्यमल मिश्र के बारे में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त की, करता रहा, और जो जो मैं सूर्यमल के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहा, मुझे लगा कि सूर्यमल के बारे में कुछ भी लिखने की कोशिश अपने मुंह से बड़ा ग्रास लेना है। सूर्यमल बहुत विशाल बहुमुखी व्यक्तित्व है। सूर्यमल के बारे में हम जैसे हम मीना के बारे में नहीं जानते, सूर्यमल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। तो मैं लिखता रहा, कोशिश करता रहा, और कुछ समय बाद साल भर हुआ होगा, राजेंद्र पांचाल मुझे प्रेरित करते रहे। फिर एक दिन वो आए तो उन्होंने कहा, क्या? मैंने कहा राजेंद्र जी मुझे क्षमा करें, मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा इसके बारे में। तो वो उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, न सौजन्य खोया, और मुझसे कहा कि आपने कुछ तो किया होगा। तो मैंने अपनी वो डायरी में कुछ रफ सा कुछ कागज वगैरह लिखा हुआ था, वो उनको दे दिया। मैंने कहा मेरे किस काम का, आप ले जाइए। वो ले गए उसको, लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली राजेंद्र, उन्होंने फिर उसके बाद में बात आई गई सी हो गई। कुछ दिन वो अपना काम करते रहे और तैयारी नाटक की चलती रही। नाटक की रिहर्सल वो वहां पर कर रहे थे बाल विद्यालय में, तो ऐसे ही बातचीत हमारी मित्रता जारी रही। तो एक दिन उन्होंने कहा कि यहाँ रिहर्सल चल रही है, आप भी आइए देखने। मैंने कहा जरूर आऊंगा, मेरा शौक तो था ही, मैं चाहता था कि मैं नाटकों में रहूं। तो मैं गया देखने, तो मैंने देखा कि उसके जो चरित्र थे कुछ, वो बहुत अच्छी वो प्रस्तुति कर रहे शब्द रचनाएं, और जो सूर्यमल जो संवाद बोल रहे वो बहुत जबरदस्त संवाद थे। तो मैंने मेरी जिज्ञासा हुई जब रिहर्सल खत्म हुई, तो मैंने कहा ये आप ये स्क्रिप्ट कहाँ से लाए यार, ये जो संवाद बोल रहे हैं या आपने लिखे या किसी किताब से लिया आपने? उन्होंने कहा आपने ही तो लिखे हैं, वही तो अभी है। मैंने कहा मैंने लिखे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल आपने लिखे। मैंने कहा भाई वो जो कचरा है उसकी फोटोकॉपी तो दे दो मेरे को यार, ओरिजिनल ना हो तो। लगभग 20-25-30 कविताएं जो उसमें थी वो मैंने उस दौरान में लिखी थी, और आप मैं अभी भी ये आश्चर्य करता हूँ। अभी 5 तारीख को सूर्यमल का एक शो आनंद गुजरात में था, मैंने उनके साथ कई यात्राएं की हैं, इस यात्रा में भी मैं उनके साथ था। मैं अभी भी विस्मय करता हूँ कि क्या ये कविता मैंने लिखी है जो सूर्यमल बोलते हैं या सूर्यमल के बारे में कही जाती है। तो वो विलक्षण अनुभव है, और नाटकों का राजेंद्र पांचाल पर हमारा साथ, राजेंद्र पांचाल के बारे में कभी मौका आया तो बहुत कुछ मैं कह सकता। अच्छा अंबिका जी,
आपसे इतनी सारी बातचीत हुई है जी। हम यही चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि हम आने वाले समय में और जो बिंदु है जिन जिन क्षेत्रों में आपकी दखल है जी, उस पर आपसे और बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही जी। नमस्ते नमस्ते।